अंजुमन सैयद जादगान का जो स्कूल चल रहा है ख्वाजा उस्मानिया सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से आज मैं एक पैगाम दे रहा हूँ कि 2023 का 23 अगस्त 2023 का दिन हिंदुस्तान की तारीख के अंदर सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के साइंसदानों ने जो एक तारीखी काम किया है, चंद्रयान 3 के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा फहराया, इससे हमारी पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हुआ। मैं इस स्कूल से पूरे चंद्रयान 3 के जो भी साइंसदान थे उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी तमाम अथक कोशिशों से आज हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ और चंद्रयान 3 के ऊपर हिंदुस्तान का परचम लहराया। देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इतना बड़ा खुशी का दिन है, कल भी हमारे बच्चों ने यहाँ पे दुआ की थी, नन्हे मुन्ने बच्चों ने, तो दुआ तो हर किसी कबूल होती है, बच्चों की पहले कबूल होती है, तो हमारी दुआ कबूल हुई। आज हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है वो एक रिकॉर्ड है, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर में हमारे देश का नाम रोशन कर दिया है। मैं बधाई देता हूँ उन माँ बापों को जिन्होंने पढ़ा लिखा कर इन साइंसकर्ताओं को इस काबिल बनाया कि आज उन्होंने हमारे देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया। और जो मेहनत और मशक्क़त का काम है ये दुनिया जानती है, आज पूरी दुनिया के अंदर में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी और जितने भी इन्होंने इसमें सहयोग किया है उन सबको मुबारकबाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं हमारे मुल्क में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे। उस्मानिया ख्वाजा सेकेंडरी स्कूल में सदर हूँ, ये सेक्रेटरी हैं, यहाँ पे सभी बच्चों को हमने मिठाई बांटकर हमारी खुशी का इजहार किया है। मैं सब देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुनव्वर चिश्ती, सदर उस्मानिया ख्वाजा सेकेंडरी स्कूल।